इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ को पेश होने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने नवाज शरीफ को सरेंडर करने के अहकाम भी जारी कर दिए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा हुसैन अहमद से। हुसैन अहमद, कहिएगा, नवाज शरीफ को किस तारीख को तलब किया गया? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 सितंबर को नवाज शरीफ को तलब कर लिया है और अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस की नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और कैप्टन सफदर का जो केस था वो नवाज शरीफ से अलग कर दिया है। चूंकि नवाज शरीफ आज अदालत में पेश नहीं हुए थे, इसलिए कैप्टन सफदर और मरियम का जो केस था वो अदालत ने नवाज शरीफ के केस से अलग कर दिया है। और नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर अदालत ने कहा है कि मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे और वफाकी हुकूमत भी अपना मौकफ जो है वो पेश करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को जो है वो पेश करने का हुक्म दिया है और साथ साथ उन्हें सरेंडर करने के लिए एक मौका दिया है। और अदालत की जानिब से ये कहा है कि फिल फोर जो है वो नवाज शरीफ को हम मफरूर करार नहीं देते, एक मौका उन्हें देते हैं कि वो अदालत जो है वो एक मौका हम देते हैं कि नवाज शरीफ अदालत में पेश हो जाए। जिसके बाद पहले अदालत ने 9 सितंबर की तारीख डाली है, ताहम उसके बाद जो ख्वाजा हारिस थे उनकी जानिब से कहा गया है कि 9 सितंबर के बजाय अगर 3 हफ्ते दे दें तो ज्यादा बेहतर होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर 9 सितंबर के बजाय 10 सितंबर जो है साथ ही रहेगा। हमें यहाँ पे ज्वाइन किया वजीर इत्तला'आत पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब ने। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौहान साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सरेंडर होने की हिदायत की गई है, हुक्म दिया गया कि एक मौका दे रहे हैं सरेंडर हो जाएं वरना मफरूर करार दे दिए जाएंगे। अब आपकी नज़र में सियासी मंजरनामे में क्या वो वापस आएंगे? आप तो बेशतर बार ये राय दे चुके हैं कि वो वापस नहीं आएंगे, तो उनके पास ऑप्शन क्या होगा? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहली बात तो यह है, मैंने कभी ये राय नहीं दी कि वो वापस नहीं आएंगे। दूसरी बात यह है कि आज आपको ना राणा सनाउल्ला साहब को भी लेना चाहिए था कि जिन्होंने आज से कुछ दिन पहले बयान दिया था कि नवाज शरीफ साहब उस वक्त आएंगे जब उनकी सेहत अच्छी होगी, और उनकी सेहत उस वक्त अच्छी होगी जब हुकूमत की सेहत खराब हो जाएगी। तो मैं समझता हूं कि आज उनके मुंह के ऊपर भी तमांचा मारा है पाकिस्तान की अदालती सिस्टम ने और पाकिस्तान के अदालती निजाम ने, कि उन्हें बताया गया है कि पाकिस्तान एक बनाना रियासत नहीं है, पाकिस्तान एक सिविलाइज माशरा है, पाकिस्तान 21वीं सदी के अंदर एक कानून और इंसाफ के ऊपर मबनी माशरा सोसाइटी और रियासत और मुल्क है। और फिर सारी दुनिया को पता है कि उनकी कितने हफ्तों के लिए जमानत हुई थी, कितने हफ्तों के लिए उनको बाहर इलाज के लिए भेजा गया था, उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन थी, और सब कुछ वायलेट कर दी गई। एक साल होने वाला है, किसी किस्म की कोई उस टर्म्स एंड कंडीशन जो अदालत ने तय हुई थी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया, और आगे से ढिठाई भी है। आगे से उनके फ्रंट मैन जो है ना वो आंखें निकालते हैं और इस तरह के बयान देते हैं जो मैंने आपके सामने अभी कोट किया है। और फिर उसके बाद सरेआम जनाब आप बर्गर खाएं, पिज्जे खाएं, कोविड-19 के माहौल के अंदर बगैर मास्क के साबित करें कि जनाब आप बिल्कुल सेहतमंद हैं, और फिर वहां से बैठ के सिविल लाफरमानी की तहरीक चलाने की पाकिस्तान के सियासतदानों को मशवरे दें। खुद कहते हैं ना वो दूसरों को नसीहत और खुद मियां फसीहत के मजदाक, बाहर बैठ के मौलवी फजल रहमान को कहें कि हाँ जी आपने नायब की पेशियों पर नहीं जाना, आपने जेल भरो तहरीक शुरू करनी है। इस किस्म की ड्रामे बाजियां और दो नंबरियां बाहर बैठ के आप करें, और उस वक्त करें कि जब आप मुजरिम भी हैं उस मुल्क के, और फिर उसके बाद आप जमानत के ऊपर वहां पे गए हुए हैं। ठीक है जी, तो इन हालात के अंदर मैं ये समझता हूँ अदालत ने बिल्कुल ठीक फैसला दिया है, और अगली पेशी तक जो है ना अगर इन्होंने ना सरेंडर किया तो एक टैग रह गया था, एक लकब रह गया था इनके खाते में आने का, वो इश्तिहारी का था, वो इश्तिहारी का भी जनाब इनको वो टैग मिल जाएगा नवाज शरीफ साहब को। बाकी पिछले 4 सालों में आलमी मीडिया, नेशनल मीडिया, दुनिया के हर रसाले अखबार के अंदर उनको कफन चोर और डाकू और फला और फला और टॉप 10 चोरों के हर किस्म की उनको जनाब वो मिल गई, सिसिलियन माफिया, गॉडफादर माफिया का टैग मिल गया। ये इश्तिहारी का रह जाना था, वो भी अगर वापस ना आए तो फिर वो भी इनको मिल जाएगा। सही, चौहान साहब मैं आपकी जानी वापस आता हूँ। मैं यहाँ पे ज्वाइन किया माहिर कानून अजहर सिद्दीक साहब ने। अजहर सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अजहर सिद्दीक साहब, इस्तदा ये की जाती है कि हाजिरी से इस्तस्ना दी जाए, डॉक्टर्स ने ताहाल पाकिस्तान सफर की इजाज़त नहीं दी, डॉक्टर्स ने सेहतयाबी के बाद इजाज़त दी है तो पहली ही फ्लाइट से पाकिस्तान आ जाऊँगा, ये इस्तदा थी। अब अदालत की जानिब से ये कहा गया कि आप सरेंडर हों, अब क्या नई मेडिकल रिपोर्ट अगर वो पेश कर दें तो फिर उनके पास कोई कानूनी ऑप्शन है, या फिर ये आखिरी ऑप्शन है कि उन्हें सरेंडर हर सूरत में होना पड़ेगा? बहुत शुक्रिया। देखिए मैं तो आपके प्रोग्राम्स में मैं बड़ा वाजे तौर पर मैं कह चुका हूं, 8 हफ्ते की जमानत दी थी, 8 हफ्ते में कहा था कि वो बाकायदा अगर पंजाब हुकूमत बाकायदा इन्हें 401 के तहत अगर जमानत एक्सटेंड करती है तो ये जमानत का एडवांटेज लिया जा सकता है। पंजाब गवर्नमेंट ने वो जमानत मंसूख कर दी है,
इस वक्त नवाज शरीफ साहब की एक्चुअली जमानत इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मंसूख की है। हाई आठ हफ्ते से आके जितना भी उन्होंने एडवांटेज लेना था वो ले लिया, अब वो जमानत हाईकोर्ट की तरफ से, और ये बिल्कुल वही पोजीशन है जैसे ही जमानत मंसूख हो। आपने सुप्रीम कोर्ट में भी देखा था जब पहले इनको छह और आठ हफ्तों की पहले सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी, तो उस वक्त फिर बाकायदा जब रिव्यू में गए तो सरेंडर किया करना पड़ा था इनको, तो यहाँ भी सरेंडर करना है। सरेंडर से मुराद है अदालत में, यानी आप अभी मफरूर इस कॉन्टेक्स में, जो अदालत ने मफरूर तो नहीं कहा लेकिन आप बुनियादी तौर पर जमानत आपकी खारिज हो चुकी है और आप एक मुजरम की तरह मुल्क से बाहर एक रह रहे हैं कि जो सजा याफ्ता मुजरम है, और वो डिक्टेशन दे रहा है कोर्ट को कि जब मेरे डॉक्टर कहेंगे। और दूसरी बात बड़ी मजेदार बात है जो, यानी यहाँ तो चले यहाँ पर बोर्ड बना, मेडिकल बोर्ड बना, उन्होंने इजाजत दे दी इलाज कराने की। अब वो इजाजत जो उस वक्त मेडिकल बोर्ड बना था उस वक्त कंडीशन बड़ी सीरियस थी, ये कहा जा रहा था खुदा ना खास अल्लाह ना करे कोई ऐसी अनहोनी पोजिशन ना पैदा हो जाए, प्ले लैंड नीचे आना ऊपर आना, वो तो सारी आपके पोजिशन आ गई। पीरियोडिक रिपोर्ट्स मांगी और वो मेडिकल वो रिपोर्ट कौन दे रहा है? डॉक्टर लॉरेंस कौन है? एक आम सा डॉक्टर है, यहाँ पर आप जो मर्जी दें पैसे दें जिस तरह की मर्जी रिपोर्ट ले लें। तो वो जो उनका जो कारीगरी थी ना वो कारीगरी भी खत्म हो चुकी है। फिर वो बाहर फिरते रहे वो एक अलहदा इशू है, लेकिन उन्होंने अभी तक जाके किसी हॉस्पिटल में अंदर एक आदमी की अल्लाह ना करे कोई ऐसी हालत हो, तो अगर कोरोना भी हो तो यहाँ कोरोना के अंदर आपने देखा नहीं है कि अगर हार्ट अटैक या ऐसी पोजीशन आई है मरीजों ने जाकर इंग्लैंड में इलाज नहीं कराया, कौन घर बैठ गया है? उसके लिए कोरोना अहम है या अपना इलाज अहम है अगर ऐसी पोजीशन मौजूद है? तो वो बुनियादी तौर पर उनका जो दूसरा कार्ड है ना वो कार्ड भी खत्म हो चुका है। और ये अपील के को जब तक नवाज शरीफ साहब सरेंडर नहीं करते ये अपील सुनी नहीं जा सकती है, और इसके लिए मफरूरी यानी उनके पास सेकंड ऑप्शन नहीं है। चौहान साहब, साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई उसमें यह कहा गया कि पंजाब हुकूमत को जमानत में तौसी के लिए मेडिकल रिपोर्ट और दीगर दस्तावेजात दी, लेकिन पंजाब हुकूमत ने मजमूम मकासद के तहत मेरी जो दरख्वास्त है उसे मुस्तरद कर दिया। अब वो मजमूम मकासद थे क्या? यार बात सुनो, ये है झूठों के सरदार, और ये मैं नहीं कह रहा, इनको अदालतों ने कहा, इनको मीडिया ने कहा, इनको आवाम ने कहा, इनको नैब ने कहा, इनको इंटरनेशनल मीडिया ने कहा, इनको वाशिंगटन पोस्ट ने, न्यूयॉर्क टाइम ने, रूटर ने, हर अखबार हर अदारे ने ही कहा कि ये झूठों के सरदार हैं। आखिरी झूठ जो शहबाज शरीफ साहब ने बोला, सारों के सामने बैठ के कहते हैं जी केड़ी जमानत, मैं तो जमानत दीती नहीं अपने भाई दी, इसके पीछे और क्या रह जाता है? इनकी इतला के लिए अर्ज है कि इनका दिसंबर के एंड में इनके आठ हफ्ते पूरे होने थे, इनको जनाब फालतू टाइम दिया गया, ग्रेस पीरियड दिया गया, फरवरी तक इनको जनाब रिलैक्सेशन दी गई, फरवरी तक भी इन्होंने जब रिपोर्टें नहीं दी और आखिर में एक सो कॉल्ड स्यूडो किस्म की फेक किस्म की रिपोर्टें भेज दी, 27 फरवरी को पंजाब हुकूमत ने उसको रिजेक्ट कर दिया और उसी बोर्ड ने रिजेक्ट किया, उसके उसकी कंसल्टेशन के साथ जाओ रिजेक्ट किया। कहने का मकसद ये झूठे हैं, इनकी बातों के ऊपर ना आप जनाब कान धरें। हाँ, इनके लिए सूरत हाल वो बन गई है कि अगो चक तो पिछो लत। मैं तो देसी स्टाइल का आदमी हूँ, बात करता हूँ अवामी अंदाज से ताकि अवाम को समझ आए। ये नवाज शरीफ साहब गए फंस, मैंने शुरू में कहा था जब ये प्ली लेके गए थे कि नवाज शरीफ साहब आठ हफ्ते रहे या आठ साल रहे, उन्होंने रहना अस्पताल में है लंदन में, ये इनकी मजबूरी है, लेकिन वहां पे इनकी सेहत का आलम देखे। आज इन्होंने क्या प्ली दी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जब डॉक्टर मुझे कह देंगे तो मैं आ जाऊंगा और पहली फ्लाइट पे आऊंगा। इनसे पूछो, आज से 3 महीने पहले जब लंदन के अंदर कोविड-19 से लाशें गिर रही थी सैकड़ों हजारों रोजाना, तो ये साहब बहादुर बगैर मास्क के दंदलाते फिर रहे थे। इनकी अपनी सेहत के ऊपर इतना एतमाद था, यानी खुद एसओपीज का ख्याल नहीं रख रहे, और दरखास्त में ये इस्तदा की गई है कि डॉक्टर ने ये कहा है कि मैं वापस नहीं आ सकता। बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब, अजहर सिद्दीक साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए।